इमरती देवी पर जीतू पटवारी के विवादित बयान से नाराज होकर कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान बीजेपी में शामिल हुई। बता दें, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो इमरती देवी पर जीतू पटवारी के विवादित बयान से नाराज हो गई थी। वहीं निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने निर्मला सप्रे पर बिकने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी डील है, इसका खुलासा जल्द होगा। एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए जो शब्द उपयोग किए गए, क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली हूँ। पहले मैं जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, क्योंकि महिलाओं का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ तो महिलाओं की मुझे चिंता भी रहती है। जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह नेताओं के द्वारा बार बार महिलाओं पर आभद्र टिप्पणी की जाती है, कभी चाशनी बनाकर बोल दिया जाता है, कभी आइटम बनाकर बोल दिया जाता है, इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। और लगातार मैं 3 दिन से काफ़ी सो भी नहीं पाई, दुखी इतनी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। महिलाओं के साथ इस तरह भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी में लगातार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी का होना बड़ा ही गलत है। इससे मैं काफ़ी दुखी थी और इसी दुखी से मैं विकृत होकर और इससे मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हो सकता है करोड़ों की दिल हुई, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी बिना से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव बना के और एक बहुत बड़ी डील है और इस डील का जल्दी खुलासा हो जाएगा। और इसका अगर भाजपा सोच रही हो कि आम जनता पे कोई असर पड़ेगा, तो ये आम जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इमरती देवी पर जीतू पटवारी के बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा ने दलित महिला पर अभद्र टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस रसातल में चली गई है। और जीतू पटवारी जी के बारे में तो सोचना पड़ेगा, जो दलित बहन के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता हो, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। यही कांग्रेस की मानसिकता है और इसी मानसिकता के कारण आज कांग्रेस रसातल में चली गई है। और इधर मुरैना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उस दौरान भावुक हो गए जब वो अपने गृह ग्राम सुरजनपुर पहुंचे। वीडी शर्मा ने भाषण देते समय मातृभूमि को प्रणाम किया, कहा कि जननी जन्म भूमश्री स्वर्गवादपि गरीयसी। पूजा करते हुए आप पड़े हैं, इसका मंदिर है, इसी मंदिर से पूजा करते हुए आप पड़े हैं, यहीं से आशीर्वाद लेना। लेकिन गांव में पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, ये थोड़ा मुझे भी जमा नहीं, क्योंकि ये लगा था कि सभी समाज के लोग बाकी लोग एक गाँव होकर के आना, मिलकर के आना, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज इस स्थान पर काम करने का अवसर अगर मिला है तो इस माटी में पढ़े लिख करके तैयार होकर के आप आशीर्वाद। सागर के राहतगढ़ पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक अच्छी खासी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को लॉन्च किया इनकी सरकार चली गई। कांग्रेस के 115 सांसद रह गए। 2019 में लॉन्च किया तब कांग्रेस के सिर्फ 52 सांसद रह गए। जहां वो कांग्रेस की वर्षों वर्षों से सीट, जहां उनके अपने पुरखे बताते कि हमारा वर्षों से रहा है, वहां के ऊपर लड़ने की हिम्मत भी नहीं।
जितने विधायक थे सांसद कम होंगे, कांग्रेस के